बुलेटिन में सबसे पहले धर्म की आग में सुलगे बिहार की बात। बिहार के हाजीपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर तोड़ने पहुंची पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई। हाजीपुर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हो गई। मंदिर तोड़ने पहुंची पुलिस को रोकने के लिए लोग सड़क पर बैठे हुए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो नाराज लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने एसपी की गाड़ी में आग लगा दी। लोगों की नाराजगी इतनी बढ़ी कि लोगों ने एक ट्रैक्टर में भी आग लगा दी। दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। हंगामे पर उतारू लोगों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने मौके से भागना ही उचित समझा। झड़प में 10 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। एक पुलिस वाले की पिस्टल भी लोगों ने छीन ली। हंगामे के दौरान कई पुलिस वाले जान बचाने के लिए घरों में छिप गए। इस मामले में पुलिस ने नगर परिषद के वार्ड पार्षद सुभाष निराला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ लोगों पर नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की है। तो मंदिर तोड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी कोर्ट के आदेश के बाद, जिस पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जमकर तोड़फोड़ हुई। अभी भी स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई हैं। अभी भी लोग बैठे हुए हैं। तो जिस वक्त पुलिस की टीम पहुंची उसके बाद लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि पुलिस की गाड़ी के साथ साथ वहां खड़े ट्रैक्टर को भी आग लगा दी गई। तोड़फोड़ भी की गई। तो बिहार में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस बल भी वहां पर इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पहुंचा, लेकिन लोग बड़ी तादाद में अभी भी वहां पर जमे हुए हैं। तो कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने पहुंची थी पुलिस। हाजीपुर के बगमली में बने वासुदेव मंदिर को तोड़ने गई थी टीम। मंदिर तोड़ने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे और इसी बात से नाराज लोग पुलिस टीम से उनकी झड़प हो गई। लोगों ने एसपी की गाड़ी फूंक दी। 10 से ज्यादा पुलिस वाले इस मामले में घायल हुए अब तक। तो अभी भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा है। सुबह के वक्त भी अभी लोग पहुंचे हुए हैं। इनको कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी भी अगर हम स्थितियों को देखें तो तनावपूर्ण बनी हुई है। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव आज जालौन और हमीरपुर जिले का दौरा कर रहे हैं। जालौन के शाहजहांपुर गांव में अखिलेश यादव 50 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जौलहूपुर हमीरपुर स्टेट हाईवे सड़क का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झोंक गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम सुबह करीब 11 बजे जालौन पहुंचेंगे। दोनों जिलों में सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो वही टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चेक बांटने के अलावा सीएम का साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बुंदेलखंड को मिलने जा रही है सौगात सोलर एनर्जी के तौर पर। आज इसका उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से। योजन सभा जनपद जालौन का जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरी टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में हमारे सारे पदाधिकारी आए हैं। पूरे जनपद जालौन के कोने कोने से जो अभी तोहफा दिया है कदौरा वाला ये रोड, इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। और सौर ऊर्जा प्लांट ये बना है 50 मेगावाट का, इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ है। अवनीश, मुझे बताइए सोलर प्लांट से कितनी तस्वीर बदलेगी जालौन और हमीरपुर की? बुंदेलखंड पर ध्यान जरूर गया है अब सीएम अखिलेश यादव का। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत सारी जरूरतें हैं, बिजली उसमें से एक है। और 50 मेगावाट का पावर प्लांट जो एसएल ग्रुप ने यहाँ पर बनाया है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो ऊर्जा आवश्यकताएं करीब 25,000 घरों को बिजली इसके माध्यम से मिल पाएगी। ये पूरा पावर प्रोजेक्ट पिछले 2 सालों से इस पर काम चल रहा था और 250 एकड़ में ये विस्तृत पूरा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये माना जा रहा है कि न सिर्फ इससे बिजली मिलेगी लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को, बल्कि पर्यावरण का भी बड़े पैमाने पर जो है संरक्षण हो सकेगा। आमतौर पर जो ऊर्जा के तमाम सारे प्लांट्स होते हैं, उपक्रम होते हैं, उनके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी होता है। जिस इलाके में लगते हैं वहाँ पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, लेकिन ये सोलर पावर प्लांट्स वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इसका उपयोग बढ़ा है, खासतौर पर सरकार ने जो नई सौर ऊर्जा नीति लाई थी उसके माध्यम से जो सौर ऊर्जा के प्रोडक्ट्स है उन पर वैट हटा लिया गया, इसके अलावा जिस तरीके से इसको विस्तृत करने के लिए तमाम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जितना बड़ा एरिया है, जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, क्या ये कहें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ये?
जी हाँ, उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है और 250 एकड़ में ये विस्तृत है। इसका विस्तार अब आगे होना है, 50 मेगावाट का एक और पावर प्लांट ठीक इसके बगल में जो है बनेगा, जिस पर करीब 250 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल ये पावर प्लांट जो है शाहजहाँपुर गाँव जो पड़ता है यहाँ उरई और कालपी के बीच में पड़ता है, ये यहाँ पर ये स्थित है और आज इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ करने वाले हैं। उसके बाद इनके और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जो जालौन में, इसके बाद हमीरपुर में बुंदेलखंड को फोकस करके इनका कार्यक्रम है। बीते दिनों देखने को मिला किस तरीके से बुंदेलखंड को लेकर के सियासत चल रही थी, तमाम सियासी दल अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रहे थे, लगातार सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप, और अवनीश कहीं ना कहीं मैसेज भी उत्तर प्रदेश जरूर दे रहा है कि सोलर पावर में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कैसे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है और तमाम जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा ये सोलर पावर प्लांट जो जिसकी शुरुआत आज करेंगे अखिलेश यादव। और अब बात करते हैं एक जलपरी की, एक गोल्डन गर्ल की। नेशनल तैराक सायरा सिरोही सुसाइड मामले में एक नया खुलासा हुआ है। खुदकुशी की वजह पढ़ाई का दबाव बताया जा रहा है। सायरा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को लेकर स्कूल प्रशासन का रवैया ठीक नहीं था। उनसे ट्रांसपोर्ट चार्ज मांगा गया था, जिस वजह से सायरा करीब 1.25 महीने तक स्कूल नहीं जा पाई। सायरा चौधरी कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम में अपने माता पिता के साथ रहती थी। चारों बहनों में तीसरे नंबर की सायरा 11वीं क्लास में पढ़ती थी। परिजनों से देर रात तक पढ़ने की बात कहकर सायरा अपने कमरे में चली गई और इसके बाद सायरा ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सायरा खुदकुशी मामले में नया खुलासा। जलपरी को पढ़ाई के प्रेशर ने मार डाला। नेशनल तैराक सायरा सिरोही सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुसाइड की वजह पढ़ाई का प्रेशर बताया जा रहा है। स्कूल में एक टीचर ने सायरा को एग्जाम में फेल हो जाने पर स्कूल से निकालने की धमकी दी थी। इस बात का जिक्र सायरा ने कुछ दिन पहले अपने पिता से भी किया था। किसी टीचर ने उसे कह दिया, बेटा अगर तू टेस्ट में पास नहीं तो तुम्हें फिर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। 3-4 दिन पहले बोले बाबा लोड ज्यादा आ रहा है पढ़ाई का, मैं 6 महीने एग्जाम अब दे दिए और वार्षिक 1 महीने बाद है, मैं तैयारी कैसे करूँ पूरी से। सायरा के पिता की माने तो उनकी बेटी को लेकर स्कूल प्रशासन का रवैया पिछले कई दिनों से ठीक नहीं था। स्कूल प्रबंधन ने सायरा के पिता को ट्रांसपोर्ट चार्ज के तौर पर 45,000 रुपए का बिल भेजा था, जिसकी वजह से सायरा करीब 1.25 महीने तक स्कूल नहीं गई थी। स्कूल तरफ से 1.5 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। उसकी मैडम ने, प्रिंसिपल ने फीस मांग ली थी ट्रांसपोर्ट की। कह लगी जी हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो बाहर का है, स्कूल हमारा है, तो ट्रांसपोर्ट फीस देनी पड़ती है। जिस रात सायरा ने खुदकुशी की थी उसके अगले दिन उसका मनोविज्ञान का पेपर था। फिलहाल पुलिस सायरा सुसाइड मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सायरा के पिता के खुलासे से स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर स्कूल प्रबंधन का रवैया सही होता तो शायद देश की जलपरी खुदकुशी जैसा कदम न उठाती। यादराम भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी देने के लिए। अनुराग, जब पिता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि पढ़ाई का दबाव था, स्कूल वाले दबाव बना रहे थे जिसके चलते खुदकुशी की है सायरा ने, स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है और पुलिस क्या अब जो आरोप लगाया जा रहा है इस पर आगे कार्रवाई कर रही है? देखिए श्वेता, आमतौर पर जो भी स्कूल होता है अगर उसमें कोई ऐसा बच्चा पढ़ता है जिसमें विलक्षण क्षमता है या कोई बिल्कुल अद्भुत प्रतिभा है, तो ऐसे में स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वो उस प्रतिभा को प्रमोट करे। और इस स्कूल में पढ़ाई को लेकर दबाव तो था ही, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था, फीस थी, उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा चार्ज लगा दिया था। तो डिमांड बच्चों के, जो बच्ची के पिता थे, उनसे की जा रही थी और इसी वजह से ये बच्ची प्रेशर में थी, उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल जो बच्ची के माता पिता हैं उन्होंने पुलिस के सामने ये बात रखी है और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर स्कूल प्रशासन इस चीज के लिए जिम्मेदार है और बच्ची इसीलिए प्रेशर में थी
तो उनके उनको कार्रवाई की जद में लाया जाएगा। श्वेता अनुराग जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां पर करोड़ों रुपए के घोटाले के सबूत आग में जल गए। यहां विकास भवन के बाबुओं ने गुपचुप तरीके से सैकड़ों फाइल्स को आग के हवाले कर दिया। इन फाइल्स में जिले के विकास के कामकाज से जुड़ी योजनाओं का रिकॉर्ड भी दर्ज था। आशंका ये जताई जा रही है कि विकास की योजनाओं में लाखों का घोटाला हुआ। घोटाले को छिपाने के लिए गुपचुप तरीके से फाइलों को जलाने का काम किया गया, लेकिन इंडिया 24/7 की टीम मौके पर पहुंची और पूरी घटना को कैमरे में कैद किया। इंडिया 24/7 की टीम ने पूरी घटना की जानकारी जब डीएम को दी तो उन्होंने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आप इनको जानते हैं? आप कोई नहीं जानता यहाँ पे? किसने बोला था? कहाँ से उठाई थी आपने ये फाइलें बताइए? मैं नहीं थोड़ी उठाई। ओह, फिर दौड़ क्यों रहे थे? अरे पीछा कर रहे हो, मेरा दौड़ो भी जरा, ये समझ रहा हूँ मैं पकड़ लूंगा, डकैती करी मैंने। आप क्या करते हो यहाँ पे? अरे हम कुछ नहीं करते हैं आप। अच्छा, तो सरकारी दफ्तर में फिर किस लिए आए थे? उसका ध्यान रखो। अभी आपने सुना, जब पूछा गया कि क्या कर रहे हैं, क्या जानते हैं ये फाइलें कहां से उठाई गई, कोई भी जवाब नहीं था। बस कोशिश जरूर हुई घोटाला छिप जाए, फाइलें जल जाएं और सब कुछ जो सबूत है वो भी जलकर खाक हो जाए। दौड़ क्यों रहे थे? अरे पीछा कर रहे हो मेरा दौड़। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के आजमगढ़ से, जहां पर पहली क्लास के छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर ये हत्या की है। बड़ी खबर इस वक्त यूपी के आजमगढ़ से आ रही है, जहां पहली क्लास के छात्र की गला रेत कर हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर हत्या की है। वजह क्या है, क्या इसके पीछे रंजिश है वजह, क्योंकि बच्चे को जिस तरह से निशाना बनाया गया उसकी हत्या की गई है। कौन है ये हत्यारे, ये जरूर कई सवाल है जो अभी जिनके जवाब मिलना बाकी है। हत्या के बाद भीड़ गुस्सा गई है। मेहनगर के राम पब्लिक स्कूल की ये घटना बताई जा रही है और इस हत्या के बाद अब भीड़ का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अशोक वर्मा है ज्यादा जानकारी देने के लिए। अशोक, इस बच्चे की हत्या की वजह क्या समझी जाए, क्या हत्यारों के बारे में कुछ पता लग पाया? जी, आप श्वेता बता दें कि यह कक्षा आठ साल की उम्र है और कक्षा एक का छात्र है, स्कूल गया है। स्कूल से शौच के लिए जब बाहर निकला उसी समय बताया जा रहा है कि उसके साथ एक बच्चा और छात्र गया था, जो दोनों बता पा रहे हैं थोड़ी मोड़ी अपने भाषा में। उसका कहना है कि दो लोग आए हैं और हम लोगों को मारे हैं, मारने के बाद गला कट करके हमारे दोस्त की हत्या कर दी गई। जो दूसरा छात्र है उसको भी चोट लगी है, लेकिन पुलिस अब तक कुछ क्लियर नहीं कर पा रही है। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। इस तरह की घटना की कक्षा एक के छात्र को मार देना, हत्या कर देना, वो भी स्कूल के प्रांगण में ही स्कूल के बाहर मारा गया है, तो ये बहुत बड़ी घटना है पुलिस के लिए, बहुत बड़ी। वाकई स्कूल के अंदर वो कौन लोग थे जो घुस अंदर आ गए, क्या इसमें स्कूल की भी मिली भगत हो सकती है? क्योंकि स्कूल जब चल रहा था तो ऐसे में कैसे कोई बाहर से आकर के मर्डर करके फरार हो जाता है? अशोक, आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल शाम अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दी थी। अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार के अल्पमत में आने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसी बात को लेकर याचिका भी दायर की गई है। इसके आसार पहले से दिखाई पड़ रहे थे और सदन की कार्रवाई भी इसको लेकर के काफी बाधित हुई, काफी हंगामा हुआ, इस बात की आशंका थी। बीजेपी की ये फितरत ही है और बीजेपी अगर कहती है कि हम दूसरे लोगों से अलग हैं तो कहाँ अलग है, वही काम कर रही है वो। अगर यूपीए के शासन काल में या कांग्रेस के शासन में ऐसा कुछ हुआ तो आप भी तो वही कर रहे हैं। ये तो जनतंत्र पर के लिए उस दिन एक काला दिन ही होगा और ये कड़ा प्रहार ही है अगर इस तरह का काम करती है, और जैसा कि लगता है कि वो करने जा रही है।
लंबे समय से आर्टिकल 356 का दुरुपयोग हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार की तरह से भी वर्तमान सरकार ने इस प्रक्रिया को बढ़ाया है। अब समय आ गया है जब सभी गैर भाजपाई दल, जिसमें अकाली दल और टीडीपी भी शामिल हैं, क्योंकि उनकी भी सरकारें अतीत में गिराई गई हैं, उनको इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, एकजुट होना चाहिए और संसद के शीतकालीन जो बजट सत्र है उसका सदुपयोग इस काम के लिए करना चाहिए। और अब हम आपको हरियाणा के फरीदाबाद की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक फाइनेंसर की उसकी दफ्तर में ही घुसकर पिटाई कर दी गई। ये लाइव मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 10 का है, जहां पर निवेशकों ने पैसे के लेन देन को लेकर फाइनेंसर और उसके बेटे की पिटाई कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं किस तरह निवेशकों ने गुंडागर्दी की। फाइनेंसर का नाम राजेश्वर मित्तल बताया जा रहा है। तो फाइनेंसर की माने तो उन्होंने आरोपियों को एक मकान खरीदने के एवज में 10 लाख रुपए टोकन मनी एडवांस के रूप में दी थी, और जब उन्होंने उनसे उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो आरोपियों ने रुपए देने से ही इनकार कर दिया। और इस बात को लेकर कई दिनों से ही विवाद चल रहा था, और जब विवाद बढ़ गया तो इसके बाद ये लोग पहुंच गए फाइनेंसर के दफ्तर में, मारपीट करने लगे, और ये सारी की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पूरे हिंदुस्तान पर आतंक की काली नजर है। गुरदासपुर और पठानकोट में हिंदुस्तान ने आतंक का काला चेहरा देखा। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट जारी है, और अलर्ट बताता यह भी है कि देश पर किस कदर आतंक का खतरा है, और ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। सोचिए कि पुलिस के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर यही पुलिस वाले खुद अनफिट हो जाए तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? सवाल बड़ा है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उधमपुर से जो तस्वीरें आई हैं वो सवाल पूछने पर मजबूर कर रही हैं। उधमपुर में एसएसपी ने जब पुलिस वालों का फिटनेस टेस्ट लिया तो ज्यादातर पुलिस वाले फेल हो गए। किसी को दौड़ने की सजा मिली तो किसी को ट्रांसफर हुआ, जम का ड्रामा हुआ। सर क्या है, मेरे पिताजी की सर बरसी है सर, अभी अभी तुम सस्पेंड होने वाले एक मिनट में पता है तुम, चलो जाओ उधर, चलो जाओ, चलो सर एक मिनट करी फंस रहा हो रहा, चलो चलो हटा, चलो जाओ सर, मत करिए सर, चलो हाँ चलो जहाँ से आया चलो वही चलो उधर, कितनी हाइट है, अरे चलो भाई मैं चक्कर लगा लूंगा सर, अरे तुम अरे सर मेरे हो जाता तो जो अनफिट हुए तो किस तरीके से कह रहे हैं, नहीं 10 चक्कर लगा लेंगे हम, तरह तरह की दलीलें अब यहां पर फिलहाल दी जा रही हैं। लेकिन अब सोचिए क्या ये पुलिस वाकई में हिफाजत कर पाएगी एक आम आदमी की जो खुद इतनी अनफिट है।